गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग फोर्सेस जिसमें हम लोगों ने नेट फोर्स निकालना सीखा था जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो नेट फोर्स दोनों ही फोर्सेस को ऐड करके निकलता है और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किया जाता है तो नेट फोर्स कैसे निकलता है हम फोर्स को डिफ्रेंस निकालते हैं दोनों ही फोर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं मीन्स अप्रैक्ट कर देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में इस तरीके से नेट फोर्स निकलता है देन हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स किस तरीके से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है स्टेट ऑफ मोशन मीन्स डायरेक्शन एंड स्पीड जब इंक्लूडेड रहती है तो हमने पढ़ा था फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑब्जेक्ट के शेप में किस हिसाब से चेंज लाता है फोर्स जब अप्लाई होता है तो अब इस टेबल में आप देख सकते होटिविटी इलेवन पॉइंट फाइव हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ब्लॉक में इस टेबल के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिचुएशन का सेकेंड में अप्लाई किस हिसाब से हो रहा है फोर्स थर्ड में आपको डाइग्राम दिया हुआ है सिचुएशन का एंड फोर्थ ब्लॉक में आपको दिया हुआ है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन फिफ्थ में दिया है चेंज इन शेप इस तरीके से आपको पांच कॉलम दिए गए हैं इतनी ब्रीफ रीडिंग करने से सही हम सीधे स्टार्टिंग से कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से पढ़ रहे हैं पहले में क्या दिया हुआ है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट सिचुएशन क्या दिया है डो मीन्स आटा एक प्लेट पे रखा हुआ है डायग्राम भी आपको दिया हुआ है अप्लाई कैसे हो रहा है फोर्स प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स हम नीड करते हैं जब डो को आटा गूंथते हैं तो अपने हाथों से उसको प्रेस करते हैं तो इस केस में क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आता है मीन्स डायरेक्शन या स्पीड चेंज होती है क्या तो उसमें स्पीड का कोई पार्ट इंक्लूडेड ही नहीं है जब हम आटा गूंथते हैं जब नीड करते हैं डो को तो कोई भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आता ना ही डायरेक्शन ना ही स्पीड देयरफॉर आप चेंज ऑफ चेंज ऑफ इन स्टेट ऑफ मोशन में येस और नो लिखा हुआ है तो आप नो no पर टिक लगाएंगे बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा फिर चेंज इन शेप वाले बॉक्स में इसमें शेप में चेंज आएगा डो की येस yes आएगा तो आप येस yes की साइड टिक लगाएंगे फाइन सेकेंड सिचुएशन किया है स्प्रिंग फिस फिक्स टू द सीट ऑफ द बायसाइकिल आप देख सकते हो स्प्रिंग फिक्स है सीट ऑफ बायसाइकिल के नीचे जो फिक्स रहती है जस्ट जैसे ही हम उसमें बैठते हैं बाय सिटिंग ऑन द सीट या आपको अप्लाई कैसे हो रहा है फोर्स हम उस पर बैठ रहे हैं तो पहले स्प्रिंग ऐसे लूज होती है जब हम जब तक हम उस पर नहीं बैठते जैसे ही हम बैठते हैं तो वो कैसे हो जाती है सुपर कोयल हो जाती है मीन्स बहुत बहुत ज्यादा पास आ जाती है दैट मीन्स क्या होता है उसके शेप में चेंज आता है कोई भी इसके मोशन में चेंज नहीं आ रहा स्पीड इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे भी तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में हम लगाएंगे नो एंड शेप में चेंज आ रहा है तो हम लगाएंगे येस टिक लगाएंगे येस की साइड नाउ थर्ड सिचुएशन है रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ नेल फिक्स ऑन अ वॉल एक कील आयरन की नेल आपने वॉल पे फिक्स कर दी है कील लगाई है वॉल पर उस पर रबर बैंड हैंग करा है उसको फिर खींच रहे हैं नीचे की तरफ कैसे अप्लाई करें फोर्स बाय हैंगिंग वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री हैंड उसको या तो हाथ से खींच रहे हैं या कोई वेट टांग दे रहे हैं उस पर हैंग कर दे रहे हैं रबर बैंड पे तो इसमें क्या होगा स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा डायरेक्शन स्पीड में देर इज नो चेंज बट देर विल बी द चेंज इन द शेप ऑफ रबर बैंड मीन्स ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज जा आ जाएगा फोर्थ सिचुएशन क्या है प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स दो ईटों दो ब्रिक्स के बीच में हमने प्लास्टिक या फिर स्टील की स्केल रख दी है उसके ऊपर वेट रख दिया है बायिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल स्केल के सेंटर पर क्या कर दिया है वेट रख दिया है तो जैसे ही हम वेट रखेंगे स्केल के सेंटर पर तो क्या होगा स्टेट ऑफ मोशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा स्पीड वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड यहाँ मेजर करी जा रही है तो स्टेट ऑफ मोशन में देर इज नो चेंज बट देर विल बी द चेंज इन द शेप ऑफ द स्केल जैसे ही वेट रखेंगे उसकी शेप में चेंज आने लगेगा मेटल स्केल की या प्लास्टिक स्केल की फाइन ओके सो नाउ टर्न द पेज टर्न योर पेज सो वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग सो वॉट डू यू कंक्लूड आपने क्या कंक्लूड करा जब आपने एक्टिविटी इलेवन पॉइंट फाइव पढ़ी और जो टेबल इलेवन पॉइंट टू दी हुई है एक्टिविटी इलेवन पॉइंट फाइव थी बट टेबल इलेवन पॉइंट टू थी वॉट डू यू कंक्लूड फ्राम द ऑब्जर्वेशन टेबल इलेवन पॉइंट टू वॉट वेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पार्म इलेवन पॉइंट टू जो टेबल थी पहले जो आप पढ़ चुके हो जब इन्फ्लेटेड बलून को अपने हाथ के बीच में रखकर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा वॉट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ बॉल शेप ऑफ अ डो बॉल ऑफ अ डो वैन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती अब जब आप चपाती बनाने के लिए उस डो को जब आप रोल करोगे तो क्या होगा वो फ्लैट होती जाएगी उसके शेप में चेंज आएगा व्हाट हैपन्स वेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड एट ऑन अ टेबल जब रबर की बॉल को आप टेबल पर रख कर उसको प्रेस कर रहे हो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने पाम से इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा बलून वाला एग्जाम्पल में इन्फ्लेटेड बलून मतलब कि जो फूला हुआ बलून रहता है डो जो आटा होता है उसका जो हम डो लेते हैं उससे हम चपाती जब बनाते हैं तो भी शेप में चेंज आता है उसके बाद रबर बॉल को जब हम टेबल पे हार्डली प्रेस करते हैं तो भी उसकी शेप में चेंज आता है इन सारी हम सिचुएशंस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट अ फोर्स सारे ही एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म कर रहे हैं हैविंग परफॉर्मड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट अ फोर्स सारे ही एक्टिविटीज जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने देखा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट रेस्ट पोजिशन पर कोई ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी पोजिशन पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम मोशन में ला सकते हैं फोर्स अप्लाई करके फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज आ सकता है सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसको हम हिट करते हैं बीच में जैसे टायर वाला एग्जाम्पल देखा था बॉय बौ, टायर को हिट कर रहा था स्टिक से तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही थी तो स्पीड में भी चेंज ला सकते हैं फोर्स अप्लाई करने से मै चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये भी हमने देखा था कि अगर हम कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में रख देते हैं कोई बॉल रोल कर रहे हैं स्केल सामने रख दें तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है उस बॉल का मे ब्रिंक अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अभी जो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े ऊपर डो का एग्जाम्पल पढ़ा स्प्रिंग का एग्जाम्पल पढ़ा बॉल के एग्जाम्पल पढ़ा रबर बैंड के एग्जाम्पल पढ़ा इसमें हमने क्या देखा फोर्स अप्लाई करा तो शेप में चेंज आया ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आया मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स फोर्स या तो सारे ही इफेक्ट्स कर सकता है किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी किसी सिचुएशन में कोई इफेक्ट ला सकता है तो किसी दूसरी सिचुएशन में दूसरा इफेक्ट ला सकता है तो फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकता है वायल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ़ दिस इफेक्ट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकता है पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है नोट करना कि फोर्स के बिना ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अगर कोई डो रखा हुआ है आटे का वीट का कोई भी डो रखा हुआ है अगर हम उस पर टच ही नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं शेप या जब तक हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस पर तो उसकी शेप कैसे चेंज हो सकती है तो इसके लिए फोर्स अप्लाई करना इन सारी सिचुएशंस के लिए ज़रूरी है स्पीड में चेंज लाना डायरेक्शन में चेंज लाना शेप में चेंज लाना रेस्ट से मोशन में लाना मोशन से रेस्ट में लाना इन सब के लिए फोर्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इट कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से तो मूव नहीं कर सकता इट कैन नॉट चेंज इट स्पीड बाय हट कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड खुद से चेंज नहीं हो सकती इट कैन नॉट चेंज डन बाय इट सेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज बाय इट सेल्फ जैसे मैंने आपको बोला उसका डायरेक्शन भी अपने आप से चेंज नहीं होगा ना ही उसका शेप जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा ये सब चीजें खुद से नहीं हो सकती जैसे जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो ये चीजें होने लगती हैं किसी सिचुएशन में स्पीड बढ़ जाती है तो किसी में स्लो हो जाती है किसी में रेस्ट ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजिशन में है वो मोशन में आ जाता है किसी सिचुएशन में मोशन में वाला ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पोजिशन में आ जाता है फाइन सो अ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अभी हमने क्या पढ़ा हाउ अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज तो कॉन्टेक्ट फोर्सेज के अंदर सबसे पहला पार्ट है मस्कुलर फोर्सेज सबसे पहली बात फोर्सेज टू काइंड्स के होते हैं एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी आगे लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का जो ये वर्ड है हमें खुद से सजेस्ट करा है समथिंग दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन ऐसे फोर्स जिसमें जिस किसी भी बॉडी का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी होता है ओके सो फर्स्ट फोर्स इज़ मस्कुलर फोर्स ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही है मस्कुलर फोर्स भी कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट क्या आप किसी भी बुक को उठा सकते हो या पुश कर सकते हो बिना उसे टच करें कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट किसी भी आप पानी की बाल्टी को किसी भी बकेट को उठा सकते हो बिना उसे टच करें जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट यूर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद अ ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के लिए जनरली क्या होता है हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है कॉन्टैक्ट में लाने पड़ती है अपनी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ अस्टिक और अ पीस ऑफ रोप जरूरी सीधे हमारे हाथ से हो या हमारे हैंड से हो इट कैन बी विद हेल्प ऑफ अस्टिक से हो सकता है किसी रोप से हो सकता है पीस ऑफ रोप से वेन बी पोषन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर जब आप अपना स्कूल बैग कैरी करते हो स्कूल बैग कैरी करने के लिए उसमें जो रगी रहती है बेल्ट उसको आपको टाई करना पड़ता है अपने शोल्डर्स पे एंड uh, जो बकेट ऑफ वाटर आप लिफ्ट करते हो उसके लिए आपको अपने हैंड हैंड्स को लिफ्ट करना पड़ता है वेयर इज द फोर्स कम फ्रॉम ये फोर्स आता कहाँ से है जब आप बैग उठा रहे हो स्कूल बैग कितना है, हैवी हो जाता है आपका आप उठाते हो बाल्टी जो बकेट होती है पानी की जब आप उठाते हो तो वो भी हैवी होती है उसके लिए आपको अपने हैंड का कर यूज़ करना पड़ता है फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो ये फोर्स आता कहाँ कहाँ से है दिस फोर्स इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आर बॉडी हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनके थ्रू ये फोर्स हम लगाते हैं सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं जो फोर्स हमारी मसल्स से लग रहा है विद द हेल्प ऑफ मसल्स लग रहा है ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स तो आपको यहाँ अंडरलाइन करना है अपनी बुक्स में द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स ऐसे फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोला जाता है जब जो फोर्स हम अपनी मसल्स से लगाते हैं so see the yellow box, it is the muscular force that enables us to perform all the activities involving movement or bending of our body. हमारी body bend हो रही है कुछ उठाना है हमको ज़मीन से तो हमको bend करना पड़ता है अपनी body. एक्सरसाइज करने के लिए bend करनी पड़ती है बॉडी काफ़ी सारी चीजें करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज उसमें भी कौन सा फोर्स अप्लाई होता है मस्कुलर फोर्स इन क्लास सेवंथ यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स pushed थ्रू द एलिमेंट्री canal. क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ा था जब डाइजेशन का प्रोसेस आप रीड कर रहे थे उसमें आपने देखा था फूड कहाँ से जाता है एलिमेंट्री कैनल के थ्रू जाता है कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट क्या मस्कुलर फोर्स की वजह से जाता है यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग आपको पता है जब हम लोग रिस्पायर करते, है, करते हैं इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स एक्सपांड होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथ पॉसिबल ये मसल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल हो जा हो पाती है कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एग्जॉर्टेड बाय मसल्स इन आ बॉडी तो काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी में जो किस वजह से होती हैं मस्कुलर फोर्स की वजह से ही ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं जहाँ जहाँ मसल्स का इन्वॉलमेंट होगा जहाँ जहाँ मसल्स के इन्वॉलमेंट की वजह से फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्क्युलर फोर्स अब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो क्या है गुलक का काट है टू एनिमल्स ये जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इसको पुल करने की जो हैवी वेट उनके ऊपर लादा गया है पीछे की तरफ काट पे रखा गया है कोशिश कर रहे हैं आगे, आगे की तरफ उसको ले जाएं एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट दे फिजिकल एक्टिविटीज एनिमल्स भी यूज करते हैं मस्कुलर फोर्स का जो भी उनको एक्टिविटी दी हुई है उसको कैरी करने के लिए और काफ़ी सारे दूसरे टास्क भी एनिमल्स लाइक बुलक्स हॉर्सेस कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस जो ऐसे एनिमल्स हैं हॉर्सेस हैं डंकीज हैं कैमल्स हैं ये सारे जो एनिमल्स हैं ये लिफ्ट करते हैं अपने लिए हमारे लिए काफ़ी सारे वेट हैवी वेट्स तो इन केसेस में इनको मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स इन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये जो एनिमल्स हैं मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं जैसे आप इस आ, देख सकते हैं इस फिगर में टू एनिमल्स मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं ये भी कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस केस में सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली वैन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेट एस फाइंड आउट मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई होता है जब तक हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं हो उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा हो तभी जो मस्कुलर फोर्स है कहाँ लाया करता है कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में लाया करता है मीन्स मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स किस लिए कहा जाता है बिकॉज हमारी बॉडी को आ, का कॉन्टैक्ट होना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जरूरी है जब तक हम अपना हाथ से टच नहीं करेंगे बकेट को तो उसको लिफ्ट नहीं कर पाएंगे शोल्डर्स अगर हमारे टच नहीं करेंगे स्कूल बैग को या जो बेल्ट होती हैं स्कूल बैग को तो स्कूल बैग की तो उसको हम लिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो इन सब केसेस में मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व होता है जहाँ बॉडी टच होती है दूसरे ऑब्जेक्ट से देर फोर ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में लाए करते हैं जो नेक्स्ट अप वी हैव इन द कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसिस अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट काफ़ी बार आपने देखा होगा आपने कोई बॉल थ्रो करी ग्राउंड पे वो सिंपली पहले चल रही थी सिंपली रोल डाउन हो रही थी बट एक पॉइंट पे आ उसकी स्पीड स्लो हो जाती है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फाइनली वो रेस्ट पोजिशन पर आ जाती है रोल कर करके ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही वो अगर हमने इसको थ्रो करा है तो उसकी स्पीड सेम रहे या कभी रुकेगी नहीं ऐसा तो नहीं होता एक पॉइंट पर आकर वो स्लो डाउन हो जाती है एंड देन रुक जाती है व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप अब स्कूटर और कार ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ सिमिलरली अब कम टू रेस्ट इफ़ यू स्टॉप रोइंग इट कैन यू एट सम मोर सिचुएशन सम मोर सच एक्सपीरियंसिस तो यहाँ पे हमें किस किस के एग्जाम्पल दिया एक बॉल के एग्जाम्पल दिया उसको थ्रो करते हैं तो एक पॉइंट पर वो स्लो होकर रेस्ट पोजिशन पर आ जाती है बायसाइकिल को अगर हम पैडल करना बंद कर दें चलाना बंद कर दें तो धीरे धीरे वो भी स्टॉप हो जाती है ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है सिमिलरली कार या फिर एक्टिवा का आप इंजन बंद कर दो आप उसकी जो की है उसको ऑफ कर दो तो क्या हो जाएगा उसका इंजन बंद हो जाएगा और वो भी रेस्ट पोजिशन पर आ जाएगी एट अ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिमिलरली जब आप बोट को रो करते हो अगर वो भी आप स्टॉप कर दो तो आपकी बोट भी चलना आगे रुक जाएगी आगे नहीं चल पाएगी तो इन सब सिचुएशन में हमने क्या देखा ऐसा होता है इन ऑल दी सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन सारी सिचुएशंस में हमने क्या देखा कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को बंद करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल बॉल को रोकने के लिए हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था कोई भी फोर्स नहीं लगाया था बल्कि बॉल को हमने थ्रो जरूर करा था बट उसको रोकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाया था वो खुद ही रुक गई थी आगे जा आगे जाकर खुद ही स्लो डाउन होकर एक पॉइंट पर आकर रुक गई थी सिमिलरली कार या एक्टिवा के केस में बाइसाइकिल को जब पैडल कर रहे हैं तो पैडल करना रोक दिया था केवल बट कोई स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया गया था तो इस सिचुएशन में भी वो खुद ही रुक गई थी येट द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिना फोर्स लगाए हुए भी इनकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई कम हो गई एंड रेस्ट पोजिशन पर आ गई एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम वॉट कॉसिज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो उनकी स्टेट ऑफ मोशन मीन्स डायरेक्शन और स्पीड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से चेंज आ गया बिना फोर्स के बिना फोर्स अप्लाई करे उनकी स्टेट ऑफ मोशन में किस हिसाब से चेंज आया कुछ सम फोर्स भी एक्टिंग ऑन दम क्या कोई फोर्स उन पर एक्ट कर रहा है कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मज भी एक्टिंग इन ईच केस या फिर कोई ऐसा है कोई ऐसा फोर्स किसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो इन सारे केसेस में द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमें क्या पता चलता है इस पैराग्राफ में कि ये जो सारी सिचुएशंस थी इसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल uh, है जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है इस फोर्स को बोला गया है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन सारे ही केसेस में जहाँ पे डिक्रीज हो जा रही है इनकी स्पीड एंड इन एक पॉइंट पर आकर खुद ही रुक जा रहे हैं बिना कोई फोर्स अप्लाई करें बट एक्चुअली क्या है ये ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड पहले सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था बॉल रोल कर रही है चलते चलते डिक्रीज हो गई उसकी स्पीड और रुक गई तो इस केस में आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि बॉल किसके कॉन्टैक्ट में है फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट जिस वजह से जो मूविंग बॉल है बॉल जो मोशन पे थी में थी वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई बिकॉज बोट और वाटर का कॉन्टैक्ट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट है दो जनों का यहाँ पे भी इसलिए कॉन्टेक्ट फोर्सेज के अंदर ही आता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन इट्स डिशन एंड देशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यहाँ से आप अंडरलाइन करोगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे हमेशा ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है हमेशा ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के सपोज कीजिए यहाँ से बॉल होते होते इस डरेक्शन में जा रही है तो फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स दूसरे डायरेक्शन से लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए फाइन ओके सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सर्फेसिज दो सर्फेसिस का कॉन्टैक्ट में आना बॉल के सर्फेस का कॉन्टैक्ट में आना ग्राउंड के सर्फेस का कॉन्टैक्ट में आना इस वजह से फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए जो फ्रिक्शन है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स मीन्स फ्रिक्शन के बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व का नाम ही फ्रिक्शन है मीन्स ये चैप्टर फ्रिक्शन पे ही बेस्ड है फ्रिक्शन के बारे में हम ज्यादा जानेंगे चैप्टर ट्वेल्व में यू मे बी वरिंग वेदर इट इज़ इसेंशियल फॉर द एजेंट अपलाइंग अ फोर्स तो आप सोच रहे हो क्या ये ज़रूरी है कोई एजेंट ही होना चाहिए मीन्स कोई मीडियम ही होना चाहिए फोर्स लगने के लिए ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट तो आप ये सोच रहे हो जरूरी है कोई ऐसा एजेंट हो मीन्स दो सर्फिस को कॉन्टेक्ट में होना ज़रूरी हो या हमारी बॉडी या फिर हमारा हैंड बॉडी का कोई भी पार्ट टच करे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या ऐसा ही होता है हमेशा तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास ओके जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट फोर में हम नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर काफ़ी सारे फोर्सेस हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर बट आज हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस तक ही पढ़ने वाले थे जो हमने पढ़ लिया तो आपको यहाँ तक ढंग से रीड करना है यू हैव टू रीड दिस अगेन बाय ऑर सेल्फ अभी तक हमने जितना भी पोर्शन कवर करा है ऑफ दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू